आप सुबह से रात तक जो भी सोचते हो उसकी फाउंडेशन क्या है? आई एम दिस बॉडी. सोचो, देखो क्या होता है. आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी. तो वो अवेयरनेस जो हर तरफ है, आप चाहो तो अपनी आंखों से आप चांद तारों को देख सकते हो, आसमान को देख सकते हो, लेकिन जितना बोल रहे हो आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, तो क्या हो रहा है, आपका वो ध्यान जो सब जगह रह सकता है वहां से सिमट करके सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी तक आ गया. इसको लिमिटेड थिंकिंग बोलते हैं, जो सारी दुखों की जड़ है. बोलो, आई एम दिस स्पेस, आई एम जस्ट लाइक इनफाइनाइट स्पेस. कहां है थॉट? थॉट तब तक जिंदा रह सकता है जब तक आप अपने आप को फॉर्म समझते हो. जैसे आपको ये रियलाइज हुआ आई एम द फॉर्मलेस, थॉट गया. अब थॉट आपके हाथ में है, थॉट को यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो. स्वरूप जिसकी बात करी जा रही है इसमें बार बार, जब चाहे अपने थॉट को अपने स्वरूप में रखो. स्वरूप में रखने का मतलब क्या है? स्वरूप आपका फॉर्मलेस है, तो थॉट को फॉर्मलेस में लाने का मतलब क्या है? थॉट मरा, थॉट गया, क्या रह गया? अवेयरनेस रह गई, फ्री फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्म. इज द फॉर्मलेस इज अवेयरनेस. अब अगर वो थॉट यहां पर होगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि उसको लिमिटेड करने का कोई तरीका नहीं है. कुछ सेकंड्स के लिए मैं सोच सकता हूँ आई एम दिस बॉडी, कोई काम करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आई एम स्टिल गोइंग टू बी इनफाइनाइट. कुछ देर के लिए मैं भिखारी की एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं राजा ही हूँ. और ये भी सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, डोंट गेट एंटैंगल्ड इन एग्जाम्पल्स. एक्चुअल में मैं ना राजा हूँ ना भिखारी हूँ, दोनों की लाइफ लाइन हूँ. नहीं तो फिर थॉट के लिए कोई ना कोई जगह बची रह जाती है. मैं राजा हूँ, मैंने ये जान लिया है मैं राजा हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? राजा कौन सा सुखी है? भिखारी से ज़्यादा दुखी है. भिखारी का ध्यान रखने के लिए तो राजा है, राजा का ध्यान कौन रखेगा? तो बस इतना ही होता है. एक्चुअल में आप नहीं मरते हो, लेकिन थॉट के लेवल पे मरते रहते हो पल पल में. एक्चुअल में आप दुखी नहीं होते हो, थॉट के लेवल पे दुखी होते हो. ये क्या गड़बड़ हो रही है? थॉट के लेवल पे भी दुखी होना बंद हो जाए, चाहोगे भी तो दुखी नहीं हो पाओगे. इम्पॉसिबल. कैसे होगे दुखी? तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो. इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट. जो हम एक्चुअल में हैं उस लेवल पे तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो हम नहीं हैं वो हमने समझ रखा है अपने आप को. क्यों समझ रखा है? क्योंकि बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हमारे आसपास में पूरी दुनिया ऐसी है, कंडीशनिंग ऐसी है, इस बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है. क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बार बार मुझे क्या लगता है, मुझे हो रहे हैं, मुझे हो रहे हैं, मुझे. तो जो भी कुछ सुबह से रात तक हो रहा है वो उस मैं को पक्का कर रहा है, और सारे दुखों की जड़ वो मैं ही है, वो मैं जो इस बॉडी तक आकर के अटका हुआ है. मतलब ये कमजोर नहीं है. ये जो अहंकार है, अहम का जो आकार, एक्चुअल में अहम जो है वो निराकार है, लेकिन ये जो अहंकार जिसको बोलते हैं, अहंकार, ईगो, अहम जो आइडेंटिफाइड है एक फॉर्म के साथ, ये कोई कच्चा नहीं है, बहुत पक्का है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग. एंड इसको किसी ने बनाया नहीं है, वी फाइंड आवरसेल्व्स विद इट. जैसे अगर आप पूछते हो कि भाई इस सब की जड़ क्या है, वो है इग्नोरेंस, कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, इस वजह से मैं दुखी हो रहा हूं. तो आप पूछोगे क्यों नहीं पता? कोई पर्सन है वो अनएजुकेटेड है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट टेक इट लिटरली. कोई पर्सन है वो अनएजुकेटेड है, इसलिए वो सफर कर रहा है. तो उस इलिटरेसी का तोड़ क्या है? एजुकेशन. उसको स्कूल जाना होगा, सीखना होगा, समझना होगा. अगर उसको समझ आ गया तो क्या होगा? एटलीस्ट उसका जो सर्वाइवल है वो इंश्योर्ड हो जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट सर्वाइवल. ये दोनों हमको समझ आ रहा है ना, दोनों में डिफरेंस. एक है बाहर का सर्वाइवल, वो डिपेंड करता है हमारी स्किल के ऊपर. जितनी तगड़ी मेरी स्किल्स होंगी उतना ही अच्छे से मैं अपना सर्वाइवल इंश्योर्ड कर सकता हूँ, उतनी ही कंफर्टेबल लाइफ दे सकता हूँ अपने आप को भी और अपने आसपास में लोगों को भी. जितनी अच्छी मेरी क्वालिफिकेशन है उतना ही मैं सिक्योर होता चला जाऊँगा बाहर की दुनिया में.
लेकिन मैं बाहर की दुनिया में कितना भी सिक्योर हो जाऊं, अगर मैं चाहता हूं अंदर की दुनिया में मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरी जो रेस्टलेसनेस है वो खत्म हो जाए, उसकी जड़ क्या है? इग्नोरेंस अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सेल्फ। इस दुनिया में अगर आपको अपनी सफरिंग को कम करना है या बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना है, क्योंकि पैसे की कमी भी तो एक टेंशन ही है, बहुत बड़ी टेंशन है, इसके पास में पैसा नहीं है उससे जाकर के पूछो, तो वो टेंशन हटी। टेंशन मतलब स्ट्रेस, मतलब वहां पर एक खिंचाव है, जितना पैसा चाहिए उससे कम है, तो रोज का यही रोना है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है ऑब्जेक्ट्स की दुनिया में, तो हम सफर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही अंदर थॉट के लेवल पे जितने बड़े आपके थॉट होने चाहिए, अगर उससे कम हुए तो आप सफर करोगे। थॉट एक्चुअल में कितना बड़ा होना चाहिए? उतना बड़ा जितना आप एक्चुअल में हो, क्योंकि उससे कम चलेगा नहीं, उससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो आप सफर करोगे। आप एक्चुअल में क्या हो? इनफाइनाइट। मौत किसी को नहीं अच्छी लगती। आप एक्चुअल में क्या हो? इटर्नल हो। मरने के नाम से ही आप सफर करोगे, चाहे वो खुद की मौत हो चाहे किसी और की मौत हो, मौत के नाम से ही डर लगेगा। आप इंटरनली अपने थॉट के लेवल पे गरीब हो, इसका सोल्यूशन क्या है? थॉट के लेवल पे अमीर होना पड़ेगा। बाहर दुनिया में आप गरीब हो, उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, आपके बीवी बच्चे दुखी हो रहे हैं, आपकी फैमिली दुखी हो रही है, सब भूख से तड़प रहे हैं, उसका तोड़ क्या है? आपको अमीर होना पड़ेगा। अंदर की दुनिया में आप गरीब हो, बाय डिफॉल्ट सारे गरीब हैं, राजा भी गरीब है, प्रजा भी गरीब है, सब गरीब है, क्योंकि एक्चुअल में जो वो है उसके कंपैरिजन में देखो तो गरीब ही है। तो अंदर की दुनिया में एजुकेशन का मतलब क्या है? आपको समझ आए कि मैं एक्चुअल में कौन हूं, बस रियलिटी को देखना है। वो रियलिटी को अगर हमने देख लिया और समझ लिया और उसके हिसाब से हमने सोचना शुरू कर दिया, अगर समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग थॉट चलेंगे। सिंपल है ना? अंदर की दुनिया में जिस दिन आपको समझ आ गया कि आप कौन हो, तो आपको अपने थॉट्स को चलाना नहीं पड़ेगा उस डायरेक्शन में। चलाना पड़ रहा है तो इसका मतलब अभी समझ नहीं आया है, थॉट्स उसी डायरेक्शन में चलेंगे और किसी डायरेक्शन में चल ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। मैं अगर राजा हूं तो राजा की तरह ही सोचूंगा ना, भिखारी की तरह कैसे सोच लूंगा? इम्पॉसिबल। क्योंकि मुझे आकर कितना भी बोलता रहा भिखारी हो भिखारी हो, उसको पकड़ करके जेल में डालूंगा, तो राजा हूं। तो थॉट्स उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे, वर्ड्स उसके अकॉर्डिंग मुंह से निकलने लग जाएंगे। तो इस सबका तोड़ क्या है? इस सबका सोल्यूशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या एक दिन में आ जाएगी? एक झटके में आ जाएगी? बच्चा एक स्कूल में गया और अगले दिन बाहर आया और बोला मैं सीख गया, ऐसे होता है? इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इसीलिए इंडिया में सत्संग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहले क्या था, हर घर में एक सत्संग हॉल होता था पहले के टाइम में, डेली सत्संग होना ही होना है। कब तक? जब तक भी एक बंदा है तब तक। तो इट टेक्स टाइम, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। जैसे बाहर पेशेंस चाहिए, किसी स्कूल में जाते हो तो वहां पर पेशेंस चाहिए, कोई बच्चा कारपेंटर का काम सीख रहा है तो उसको पेशेंस चाहिए, कई बार हाथ भी कटेगा, कई बार दर्द भी होगा, एक तरीके से काम करेगा तो उसके हाथ में दर्द होगा, हो सकता है बॉडी में दर्द होगा, वो दर्द को सहना पड़ेगा अगर उसको अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो। तो अगर आपको एक कंफर्टेबल माइंड चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, रेस्टफुल स्लीप चाहिए, तो इस एंड पे काम करना ही होगा, चाहे कितना भी दर्द हो, कितना भी टाइम लगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस एक दिन में नहीं होता है। जैसे एक दिन में बीज एक पेड़ नहीं बनता है, ऐसे ही एक दिन में कोई इलिटरेट लिटरेट नहीं हो जाता है, एक दिन में ये सब कुछ समझ नहीं आ जाता है। टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज वर्थ इट। एवरी सिंगल मोमेंट स्पेंट ऑन दिस इज वर्थ इट, क्योंकि यहां से आप खुद की जो वास्टनेस है उसको देख रहे हो, उसका अलग ही मजा है। बाहर की दुनिया में आप क्या कर रहे हो? जितना बाहर देख रहे हो या बाहर के बारे में पढ़ रहे हो, आप जो बाहर की दुनिया की वास्टनेस है उसको देख रहे हो, उसको जितना देखोगे उतना ही डरोगे, उतना ही इनसिक्योर फील करोगे। इतनी बड़ी दुनिया में आपकी औकात क्या है? कुछ भी।
जैसे अंदर की दुनिया की वासनेस को देखते हो, जो आप एक्चुअल में हो उसकी वासनेस को देखते हो, तो बाहर की दुनिया जो एक्चुअल में बहुत बड़ी है, ह्यूज है, यूनिवर्स जिसके ऊपर करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो लाखों साइंटिस्ट जिसके ऊपर दिन रात लगे हुए हैं इस यूनिवर्स को समझने के लिए, वो यूनिवर्स भी आपके लिए डॉट के जैसा, छोटा सा डॉट किसमें, मुझ में। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के, प्रपंच मतलब धरती जल अग्नि वायु आकाश, इन पांचों को कलेक्टिवली प्रपंच बोलते हैं। इनके थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट्स आप अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हो, उन सेंसेस को भी और जो ऑब्जेक्ट्स आप परसीव करते हो उन सेंसेस के थ्रू, उस सबको प्रपंच बोलते हैं। जो अंदर आपको इन सब के इंप्रेशंस दिखते हैं, बाहर कुछ होता है अंदर कुछ और दिखता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, उसको भी प्रपंच बोलते हैं। ये सब प्रपंच है। तुम संपूर्ण, संपूर्ण में मतलब सब कुछ आ गया, कुछ भी छूटा नहीं है। दृश्य प्रपंच के, दृश्य मतलब जो दिखता है, एकमात्र दृष्टा हो, एकमात्र, वन विदाउट अ सेकेंड। किसको कह रहे हैं ये? अष्टावक्र कह रहे हैं राजा जनक को, कह तो उनको रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली आपको कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात बोलती है, मतलब कि दृष्टा एक ही है, आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो, मतलब कि वो जो इन सबको जान रहा है वो मुक्त था, मुक्त है और मुक्त ही रहेगा, उसको बांधने का कोई तरीका नहीं है। जैसे आपकी अवेयरनेस को बांधने का कोई तरीका नहीं है, आप अभी कुछ देखने लग जाओ कल कुछ और देखने लग जाओ, दिखने में चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, अच्छे की वजह से कुछ रिएक्शंस हो बुरी की वजह से कुछ रिएक्शंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिखता है नहीं दिखता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइट दिखती है अंधेरा दिखता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो, मतलब कि अपने से अलग समझते हो। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये पूरे के पूरे अष्टावक्र गीता का एसेंस है। इसी को विवेक बोलते हैं, आत्मा अनात्मा विवेक, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। तो आप एकमात्र दृष्टा हो, मतलब कि इस सब को जानने वाला। अगर कोई जानने वाला ही नहीं है तो सुख दुख किसको होगा? सुख दुख होगा भी या नहीं होगा? इस दुनिया में सुख दुख नाम की चीज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी अगर कोई जानने वाला नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस किसे होगा अगर कोई जानने वाला ही नहीं है? तो फीलिंग किसे होगी? और जब एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, फीलिंग ही नहीं होगी, सुख दुख ही नहीं होगा, थॉट्स ही नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम किसे होगी? तब तो कोई सेपरेशन है ही नहीं। जो भी कुछ हो रहा है इस पूरी की पूरी दुनिया में, वो सबका बेस क्या है अगर जानने वाला नहीं है तो, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लेकिन वेस्ट में लोगों ने क्या किया, कॉन्शियसनेस का भी एक कॉन्सेप्ट बना दिया है, एक आइडिया बना दिया है। They talk about consciousness, but they don't have any clue what this consciousness is all about. क्योंकि वो consciousness को अपने आप से अलग समझ रहे हैं, उसको भी एक phenomena समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं consciousness भी बनती है और मिटती है। वही गलती कर रहे हैं जो past में अनगिनत लोगों ने करी है। वो consciousness को mix कर रहे हैं thought के साथ में। सोचते हैं कि कॉन्शियसनेस भी कंट्रोल होती है। तो इसको बड़े आराम से समझना होगा कि ये एरर है क्या। यही तो है ना, दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द एरर्स, कि हम देखने वाला किसी और को समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि सुबह से रात तक करते ही यही है। और कुछ करते हो क्या? और कुछ बोलते हो क्या? और कुछ सोचते हो क्या? ये जो मैं है, जो एक्चुअल में जानता है इस पूरे के पूरे फिनोमिना को,
इस पूरी प्रोसेस को, जो एक्शन रिएक्शन दोनों से फ्री है, कॉज इफेक्ट दोनों से फ्री है, कॉजलेस है, इसका खुद का कोई कॉज नहीं है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, क्योंकि सब यही गलती कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, जब भी हम बोलते हैं मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, बोलते हैं हम, तो ये मैं कहाँ पर है, कहाँ आ गया है, मैं बॉडी में आ गया है। हमारी सारी कॉन्वर्सेशन सुबह से लेकर के रात तक, उसकी जो फाउंडेशन है, अगर उसको आप ध्यान से एनालाइज करोगे, तो उसमें इम्प्लाइड है, या तो उसमें मैं होता है या तू होता है, या ये होता है या वो होता है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम कह सकते हैं ये और वो, लोगों के बारे में कह सकते हैं मैं और तू, तू मतलब वो जो मुझसे अलग है, सेपरेशन आ गया, मैं मतलब क्या, मैं ये हूँ, आप मुझसे अलग हो। कभी हम क्वेश्चन करते ही नहीं है कि मैं है क्या, मुझे भूख लगी है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने कहाँ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, पहले हमने आइडेंटिफाई किया था अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आउटर अपीयरेंस है, उससे, अब हमने कहाँ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, अपने जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, उससे, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो बॉडी को भूख लगी है ना, बॉडी को प्यास लगी है ना, फिर हम बोलते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं। तो हमने अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर लिया है, एक फीलिंग से, वो फीलिंग पैदा हुई और वो फीलिंग मर गई, मोटापा पैदा हुआ, आज जो मोटा था कल पतला हो गया, तो मैं कौन हूं, क्या मैं वो हूं जो उस फीलिंग से जुड़ी हुई थी, या मैं जुड़ी ही नहीं, वो फीलिंग आई और गई। कितनी फीलिंग्स आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हम कभी इस इंक्वायरी को करते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इतनी सी बात हमको समझ आ जाए, ये सुखी होने की फीलिंग आई और गई, यानी कि पैदा हुई और मरी, लेकिन मैं ना पैदा हुई ना मैं मरी। अगर मैं ये कह रही हूं कि मैं खुश हो गई, तो ये अगर एरर नहीं है तो और क्या है, ये ना समझी नहीं है तो और क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि, एंड दिस इज रियल एनलाइटनमेंट, इसको अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो इससे बड़ी और कोई चीज हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फीलिंग आ जाए, कैसी भी, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, उसका मेरे होने पे और ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने दो, देखते हैं कैसी फीलिंग आती है, देखते हैं किस लेवल की आती है इस दुनिया में, देखते हैं अच्छी से अच्छी फीलिंग क्या है, आने दो, आई एम ओपन फॉर इट। इस दुनिया की बुरी से बुरी फीलिंग क्या है, देखते हैं, आने दो, आई एम ओपन फॉर इट। तो यहां पर कंफ्यूजन कहां है, ये जो अष्टावक्र जी ने जो बात करी है, राजा जनक को जो कह रहे हैं, बड़ा बारीक कंफ्यूजन है। हम क्या सोचते हैं कि जिस वक्त में हम कुछ सोच रहे होते हैं, तीन ही लेवल्स हैं, कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ फील कर रहे होते हैं या अपने सेंसेस के थ्रू कुछ परसीव कर रहे होते हैं, तब तो हम बोलते हैं कि हम है। अगर तीनों ही नहीं है तो, ये तीनों चीजें देखने में तो है, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, बॉडी से क्या जुड़ा हुआ है, ये सारी की सारी सेंसेशंस, किसी भी तरह की कोई भी सेंसेशंस आ रही है, माइंड से क्या जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स एंड इमोशंस, इंटेलेक्ट से क्या जुड़े हुए हैं, थॉट्स, वर्ड्स। तो जब कोई सेंसेशन होती है, कोई फीलिंग होती है, कोई इमोशन होता है, कोई थॉट होता है, तब तो हमको लगता है कि मैं हूं, ये भी कहना गलत नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं कि मैं हूं। बस मैं आपसे पूछूंगा आप क्या हो, मैं ना देख रही हूं, ये मैं हूं। अच्छा, अभी आप नहीं देख रहे, अभी आप सुन रहे हो, तो ये सुनने वाले आप हो, देखने वाले आप हो। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ते हो, आपका ध्यान किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ता है, तब तो आपको लगता है कि मैं हूं, जब नहीं जुड़ता है तो आपको क्या लगता है कि मैं नहीं हूं। उस वक्त मैं कुछ नहीं बन जाती हूं, कुछ नहीं कैसे बन सकते हो। तो जब कोई फॉर्म होती है, कोई सेंसेशन होती है, या जब अंदर ही अंदर हम कुछ बोल रहे होते हैं, तब तो हमको लगता है कि हम हैं। जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए लोग डरते हैं मेडिटेशन करने से, क्योंकि सब कुछ छूट रहा होता है। छूटना इज इक्वलेंट टू मरना। वो चुप नहीं बैठ सकते, ना बाहर से ना अंदर से, ये दुनिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मौत से डर लगता है, चुप होने से डर लगता है। जब बोलते रहते हैं तो उनको अपने होने का एहसास होता है, कुछ करते रहते हैं तो अपने होने का एहसास होता है, कुछ देखते रहते हैं तो उनको लगता है कि मैं हूँ। बाहर कुछ करते रहते हैं और अपने अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको बोलो टिक करके बैठो, कुछ नहीं करना है, वो छोड़ नहीं सकते उन थॉट्स को,
क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि डर लगता है. नोन में जिसको वो जानते हैं वहां पर वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे वो बुरा भी हो. अननोन से डर लगता है. ये अगर इस थॉट को छोड़ दिया कि मैं हूं, ब्रेथ जिसको मैं देख रही हूं उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा? कहीं ब्रेथ बंद तो नहीं हो जाएगी? कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी? हमेशा हम कुछ ना कुछ पकड़ करके रखते हैं. क्यों पकड़ करके रखते हैं? क्योंकि अगर ना पकड़े तो मैं ही क्या. अगर मैं किसी आदमी से पूछूं, आप अपनी मेमोरी को मत पकड़ो, अपनी परसेप्शंस को मत पकड़ो, किसी को मत पकड़ो, आप हो क्या? उसको पता ही नहीं है वो क्या है. इसको इग्नोरेंस बोलते हैं. अगर किसी को पता हो और अच्छे से समझ आ चुका हो मैं क्या हूं, तो उसके लिए थॉट्स का होना या ना होना एक जैसा है. फीलिंग्स का होना या ना होना एक जैसा है. बॉडी का होना या ना होना एक जैसा है. इसको विवेक बोलते हैं. इसको बिल्कुल क्लियर है कि क्या मरता है और क्या नहीं मरता है. क्योंकि जो खुद नहीं मरता है वही उसको जान सकता है जो कि मरता है. एक उस फीलिंग को जानने के लिए जो पैदा हुई और मरी, किसी ऐसे का होना जरूरी है जो उस फीलिंग के पहले भी था, उस वक्त भी था और बाद में भी था. शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. इसी को स्थित होना बोलते हैं कि हमारी समझ वहां पर स्थित हो गई है जो हम एक्चुअल में है. वहां से हमारा थॉट से भी अटैचमेंट छूट जाता है. वी बिकम इनडिफरेंट टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ थॉट्स. हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट. कुछ लोग हैं जो थॉट्स को पकड़ रहे हैं, उसको छोड़ नहीं सकते. रेस्टलेस है, कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बड़बड़ 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 सुबह से लेकर के रात तक, अंदर भी बाहर भी रेस्टलेस है. कुछ लोग हैं जो इन थॉट्स से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ों पर जाकर के मेडिटेशन करके ये करके. But the knower of the truth becomes indifferent to both these states. उसके लिए समाधि में thoughts के ना होने में, यानी कि गहरी नींद में, thoughtless state में, thoughts की state में, अच्छे thoughts में, बुरे thoughts में, अच्छी feelings में, बुरे feelings में, कोई फर्क नहीं है. उसके लिए सब एक है. He is open for everything and everyone. And that which is open for everything, everyone, all kinds of experiences, is the truth. जिसके लिए राम में और रावण में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. फिर चाहे वो खुद राम है, चाहे वो खुद रावण है, उसमें भी कोई फर्क नहीं. चलिए जी, बाकी आप कल देखें.